हिमाचल प्रदेश में इस मानसून के दौरान लोगों को अभूतपूर्व क्षति हुई है। इस आफत से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। लगातार बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से पूरा राज्य बुरी तरह से तबाह हो गया है। लगभग 12,000 घर क्षतिग्रस्त और जमींदोज हो गए हैं। 408 ट्रांसफार्मर और 149 वाटर सप्लाई स्कीम भी प्रभावित हुई है। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से मौत का आंकड़ा 350 पार हो चुका है, मगर सिलसिला अभी थमा नहीं। सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान 8,000 करोड़ के पार हो चुका है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 55 दिनों में लगभग 113 भूस्खलन हुए हैं। राज्य लोक निर्माण विभाग को 2,491 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को लगभग 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस विपदा से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सबसे अधिक प्रभावित हुई है। भूस्खलनों के लिए विशेषज्ञों ने हिमालय क्षेत्र में हुए अवैज्ञानिक निर्माण को कारण बताया है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में अत्यधिक निर्भरता पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पर्यटक गतिविधियां हिमालय क्षेत्र की नाजुक परिस्थितियों पर बहुत दबाव डाल रही है। जून 2023 से अब तक हुए बेतहाशा नुकसान के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, केंद्रीय टीमों ने नुकसान के आकलन के लिए प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है और हमें केंद्र से समय पर मदद की जरूरत है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने आपदा राहत कोष से हिमालय प्रदेश सरकार को 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है।